इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको एडवांस ट्रेंड एनालिसिस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी क्लोजिंग प्राइस होता है तो उसको हम पॉजिटिव क्लोजिंग एंड पॉजिटिव ट्रेंड क्लोजिंग, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव क्लोजिंग क्या है एंड पॉजिटिव क्लोजिंग क्या है, उसी तरह से ट्रेंड नेगेटिव क्लोजिंग क्या है एंड नेगेटिव क्लोजिंग क्या है। मान लीजिए निफ्टी एक 40 पॉइंट ऊपर में क्लोज हो गया तो आप इसको पॉजिटिव क्लोजिंग बोल सकते हैं, बट इसको आप ट्रेंड पॉजिटिव क्लोजिंग बोल नहीं सकते, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव क्लोजिंग बनने के लिए ये सिर्फ एक 10-20 पॉइंट ऊपर में क्लोज होना वो एक सफिशियंट कॉज नहीं है। दूसरा एक चीज होना पड़ेगा, ट्रेंड पॉजिटिव क्लोजिंग का मतलब एक जो पहला रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस प्राइस का ऊपर में क्लोज होना। उसी तरह से ट्रेंड नेगेटिव का क्लोजिंग है जो पहला सपोर्ट है उसके नीचे में क्लोज होना। तो वो पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी मेथड को ले लीजिए, आप फिबोनाची को लेके फर्स्ट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ज्ञान को लेके पहला रेजिस्टेंस एंड पहला सपोर्ट निकाल लीजिए, इलियट को लेके निकाल लीजिए, मूविंग एवरेज को निकाल लीजिए, अगर क्लोजिंग प्राइस जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उस मेथड का जो पहला रेजिस्टेंस प्राइस है उसके ऊपर में क्लोज हुआ तो उसको ट्रेंड पॉजिटिव क्लोजिंग माना जाएगा। सिर्फ एक 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर में क्लोज होने से उसको ट्रेंड पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, जैसे आप अगर एनएससी के साइट में विजिट कर रहे होंगे तो ये सब निफ्टी के लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 7 तारीख से, 4 तारीख से, 4, 6, 7 ऐसे इनका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है निफ्टी, उसी का मैं लूंगा। तो ये निफ्टी को देखेंगे ये ट्रेंड पॉजिटिव या ट्रेंड नेगेटिव, जो ट्रेंड रिवर्सल डेट है, तो ये मैं ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बोल रहा हूं, जो ट्रेंड रिवर्सल डेट हम लोग दे रहे हैं हमारे रिपोर्ट में, कुछ लोगों को ये कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, जैसे आज 10 तारीख को निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल डेट था, तो लोग पूछ रहे हैं जो पिछले वर्किंग डे है 7 तारीख को, 7 तारीख को अगर क्लोजिंग के साथ में देखेंगे, 7 तारीख का क्लोजिंग अगर देखेंगे तो पॉजिटिव था 7 तारीख का जो क्लोजिंग है, अगर ये देखेंगे 7 तारीख का जो क्लोजिंग है 11,888 रहा, 6 तारीख का क्लोजिंग था 886, तो 2 पॉइंट तो ऊपर में ही है, तो ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है आज बदलना चाहिए, नेगेटिव में जाना चाहिए, बट आज पॉजिटिव में चला गया, क्यों गया? तो ये ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, तो इसी के लिए मैं ये चीज आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले जो भी हमारा ट्रेंड रिपोर्ट्स देते हैं, जो भी ट्रेंड रिवर्सल डेट्स कैलकुलेट होता है, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कितना एक्यूरेट है, तो वो भी जानना जरूरी है। ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तब जाके सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएंगे। तो जो कैलकुलेशन इस हफ्ते के लिए बना था, 10 तारीख से 14 जून तक का कैलकुलेशन ये बना था, ये 7 तारीख को हमने बनाए, हमारे साइट में डाला गया, यूट्यूब में वीडियो भी रिलीज किया गया उसी दिन, कमिंग वीक निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस, ये रिपोर्ट भी दिया गया सबको। तो आज जो हुआ इसमें थोड़ा टैली करवा लेते हैं, क्या क्या हुआ, 11,994, 11,994 हाई बना, ओपन बना था 11,950 एंड लो बना था 11,875, ये बना था आज का दिन का, एंड क्लोज हुआ है 11,942। तो इनका रिलेशन हमारा कैलकुलेशन के साथ में क्या बैठता है वो बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे जो पहला टारगेट है निफ्टी का इस बार का कैलकुलेशन 0.68 का, वो था 11,994, 40 पैसा इसमें से चुका, 40 पैसे नीचे 994 तक पकड़ा, 40 पैसा नहीं दिया, 75 तक आया, वो 75 11,875 हमारा कोई भी कैलकुलेशन के साथ में टैली नहीं कर रहा है। क्लोजिंग जो हुआ 11,942 में, वो जस्ट ये जो 0.382 रिट्रेसमेंट का 10 पॉइंट नीचे में ही क्लोज हुआ, तो ये बताता है आज का कैलकुलेशन का ऑथेंटिसिटी। तो अभी चलते हैं जो ओरिजिनल सब्जेक्ट जिसके ऊपर में ये डिस्कशन शुरू हुआ था,
एक क्लोजिंग को हम ये तय करें कि वो एक ट्रेंड पॉजिटिव है या ट्रेंड नेगेटिव है। इसलिए एनएसई की साइट पे सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, अगर इसी इंफॉर्मेशन को लेके भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हमारा सॉफ्टवेयर में उसका थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आप अदर इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो 1.05 एक निकलता है, 1.05 में हर दिन 4 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो निफ्टी का है उसको ले लिया, 1.05 उसमें से 1.05% में है वो, तो 1.05 डिवाइडेड बाई 100 इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे को बताता है कि इसमें 106, 127 पॉइंट का ऑसिलेशंस रहेंगे 7 तारीख, 6 तारीख को। 4 तारीख का जो क्लोजिंग है 12,072 रुपया, 12,072, इसमें 1.05 मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में है, तो ये निकला 126.75। तो इसी ये जो है ये बताता है कि 6 जून को प्राइस जो मूवमेंट है वोलेटिलिटी के हिसाब से 127 पॉइंट का रहेगा। इसमें से मेरे को पहला रेजिस्टेंस एंड पहला सपोर्ट निकालना है, तो फिबोनाची का, तो फिबोनाची का 0.382 रिट्रेसमेंट जो है वो पहला रेजिस्टेंस देता है, पहला सपोर्ट भी देता है, तो इसमें से मैं 0.382 मल्टीप्लाई किया, मींस ये जो 127 पॉइंट से मैंने एक 38% इसका वैल्यू लिया, 127 का 38% वैल्यू, 38.2% वैल्यू इसमें लिया, 48 रुपया निकला। यही 48 रुपया मैं 12,072 से हटाऊंगा, 12,072 से ऐड करूंगा, तो ये ऐड करने के बाद में मेरे को मिला 12,023, 26 एंड 12,120 ऐड करने से। इसका मतलब ये होता है, अगर 6 तारीख को, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, 6 तारीख को अगर निफ्टी 12,000, निफ्टी का फ्यूचर हम लिए हैं, 12,026 के नीचे में क्लोज होता है, इसको ट्रेंड नेगेटिव माना जाएगा। ये अगर 12,120 के ऊपर में क्लोज होता है, इसको ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा। इस बीच में अगर क्लोज हो गया 12,023 से 12,120 के बीच में कोई भी वैल्यू में क्लोज हुआ, उसको हम ट्रेंड नेगेटिव या ट्रेंड पॉजिटिव नहीं मानेंगे, वो जो पिछले, उससे पिछले दिन का जो ट्रेंड था वही कंटिन्यू हुआ है वही हम मानेंगे। तो 6 तारीख को 11,086 में क्लोज हुआ, तो इसको अगर कंपेयर करें तो नेगेटिव ट्रेंड नेगेटिव में क्लोज हुआ, 12,026 के नीचे में क्लोज हुआ, इसलिए ये ट्रेंड नेगेटिव है। अभी 6 तारीख का डाटा लेते हैं, उसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हमें देता है 7 तारीख के लिए डाटा, तो 7 तारीख, 6 तारीख का क्लोजिंग लेके 7 तारीख के लिए जो हमने कैलकुलेशन बनाया ये बताता है 11,934 के ऊपर में अगर 7 तारीख को क्लोज होता है तो इसको ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा, अगर ये 11,738 के नीचे में क्लोज होता है इसको ट्रेंड नेगेटिव माना जाएगा। अभी हुआ क्या, तो इसमें अगर कंपेयर करें 11,888 में लास्ट ट्रेड हुआ 7 तारीख को, तो ये ना 11,934 के ऊपर में है ना 11,838 के नीचे में है, तो इसके बीच में ही क्लोज हुआ, तो ये जो क्लोजिंग बना इसको हम क्लोजिंग के बेसिस में देखेंगे तो ये क्लोज पॉजिटिव है, 2 पॉइंट ऊपर में है, क्लोजिंग पॉजिटिव है, बट ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे ये ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। ये अगर 11,934 के ऊपर में क्लोज होता तो मैं इसको ट्रेंड पॉजिटिव मानता, ये 11,838 के नीचे में क्लोज होता तो मैं इसको ट्रेंड नेगेटिव मानता, तो ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ, ये बीच में हुआ, ये एक रेंज डे हुआ, तो रेंज डे जब हो जाएगा उसके पिछले दिन में जो ट्रेंड था वही कंटिन्यू हुआ है, थोड़ा सा ही उसमें करेक्शंस आए हुए हैं, तो पिछले दिन जब 6 तारीख का ट्रेंड नेगेटिव था वही ट्रेंड नेगेटिव ही आज कंटिन्यू किया है, और कुछ नहीं हुआ है, जो भी ऑसिलेशन आज के दिन में हुए 7 तारीख को वो वही नेगेटिव ट्रेंड का एक कंटिन्यूएशन ही है। तो 7 तारीख का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग को देख के अगर आप देखेंगे तो ये लगेगा कि पॉजिटिव क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग है, बट अगर ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे ये एक नेगेटिव ट्रेंड क्लोजिंग है। तो इस हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल जो डेट है 10 तारीख आज का जो दिन था, इस हिसाब से अगर देखेंगे आज
ओपन जो होना है पॉजिटिव में ओपन होना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव में क्लोज होना चाहिए। तो आज का जो ओपन हुआ 11,950 में ओपन हुआ, ज्ञान के हिसाब से आज एक ट्रेंड रिवर्सल निफ्टी में था, 950 में ओपन हुआ, 994 तक गया, तो एंड 11,940 में, 940 में वो क्लोज हुआ, 940 में क्लोज हुआ। तो इस हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल डेट भी काम किया। तो 10 तारीख का भी जो क्लोजिंग हुआ, 942 में जो क्लोजिंग हुआ है, ये ट्रेंड पॉजिटिव क्लोजिंग है या नेगेटिव क्लोजिंग है? तो 7 तारीख का जो क्लोजिंग प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, इसको हम लेके देखें 11,000, 11,884, सो 840 से नीचे क्लोज होता है तो ट्रेंड नेगेटिव, 935 से, 36 से ऊपर क्लोज होता है तो ट्रेंड पॉजिटिव। तो 10 तारीख का जो क्लोजिंग है ये एक ट्रेंड पॉजिटिव क्लोजिंग बता रहा है, क्योंकि ये 11,936 के ऊपर में ही क्लोज हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप ट्रेंड को डिटरमिन करें, क्लोजिंग प्राइस को नहीं देख के, अगर ये एक ट्रेंड पॉजिटिव या ट्रेंड नेगेटिव को देख के डिटरमिन करें, तो आपका सक्सेस रेट्स बहुत रहेंगे। इसी तरह का बहुत सारे यूनिक प्रिंसिपल्स हमारे प्रोग्राम्स में, कोर्सेस में सिखाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये ज्ञान के ट्रेंड रिवर्सल डेट्स, जो बाकी का भी इस महीने में बहुत सारे ट्रेंड रिवर्सल डेट आने वाले हैं, कल जैसे आपको टाटा स्टील का कल रहेगा ट्रेंड रिवर्सल डेट, बैंक निफ्टी का कल एंड परसों 2 दिन रहेंगे ट्रेंड रिवर्सल डेट, तो 13 तारीख को भी टाटा स्टील का ट्रेंड रिवर्सल डेट है, सन फार्मा का 18 को है, तो 12 तारीख को भी सन फार्मा का है। तो ये सब ट्रेंड रिवर्सल डेट को बारीकी से थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। इसमें से मैं ये ट्रेंड रिवर्सल डेट कैलकुलेशन को 60 से 65% का एक्यूरेसी बताता हूँ टाइमिंग एनालिसिस में, एंड इसी को देख के, ट्रेंड को सही से समझ के, अगर आप ये ट्रेंड रिवर्सल डेट को देख के BTST या STBT ट्रेड्स करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। बट हेजिंग के साथ में कीजिएगा, क्योंकि जहां पे भी एक्यूरेसी जो है 40% का जो फेल्योरी पॉइंट है, उस टाइम में भी आपका हेजिंग आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट को आप काम पे लगा सकते हैं। एंड वन स्टैंडर्ड डेविएशन के जो सॉफ्टवेयर है, एक बहुत पावरफुल टूल है, एंड आपने जैसे ही ये कैलकुलेशंस देखे निफ्टी का, उसी तरह से बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन भी टैली करवाइए। बैंक निफ्टी में थोड़ा वेरिएशंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें वोलाटिलिटी ज्यादा है, 12% जो है वो एक बड़ा वोलाटिलिटी है, तो इसमें एक 30-40 पॉइंट का डिफरेंसेस आएंगे कैलकुलेशन फिगर से एक्चुअल तक में, तो इसको भी आप फॉलो कीजिए एंड देखिए कि इसमें क्या जो भी कैलकुलेशन किया गया है इस हफ्ते का, तो ये पहला दिन है, बाकी के दिनों में ये क्या देता है आप इसको देखिए। अगर चाहते हैं कि हाँ ये एक सही टूल है, मेरे को काम पे लगेगा, तो आप ये इस टूल को 6,490 में खरीद सकते हैं। इसमें 7 दिन का रिफंड गारंटी है। टूल लिए, 7 दिन काम किए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये टूल का पूरा जो 6,500 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है सॉफ्टवेयर में, आप सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट आप इन्वेस्ट किए हैं वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, 7 दिन का रिफंड गारंटी। ये इंडिया में पहले बार कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी का सॉफ्टवेयर इस तरह से दिया जा रहा है। अगर आप इस तरह का वैलिड कॉन्सेप्ट सब सीखना चाहते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम हमारा है, जो 3 घंटे का प्रोग्राम है, जो 15 तारीख से ही शुरू होने वाला है, आप ये सेमिनार लिंक जो है हमारा साइट का, इसमें अगर आप विजिट करेंगे तो ये प्रोग्राम के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो ये जो प्रोग्राम होने वाला है, ये 15, 16 एंड 23 जून को होगा, एंड इसमें 10 से 11 बजे के टाइम में इंग्लिश में होगा, 5 से 6 का टाइम में हिंदी में ये प्रोग्राम को रिपीट किया जाएगा। इसमें ज्ञान के बहुत सारे टेक्निक्स आप सीखेंगे, प्राइस एनालिसिस का, इंट्राडे का, टाइम एनालिसिस का, अगर इसमें आप रुचि रखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में रजिस्टर कीजिए। अपने दोस्त लोगों को भी इनवाइट कीजिए इस प्रोग्राम में आने के लिए। ये 236 रुपया का एक प्रोग्राम है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, एंड इसमें कुछ वैलिड टेक्निक्स आप सीखेंगे, जो सीखेंगे उसको आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो काम कर रहा है या नहीं। जैसे वन स्टैंडर्ड डेविएशन का, जैसे आपने टाइम एनालिसिस का देखा, तो उसको आप भी काम पे लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है,
अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस प्रोग्राम में जरूर आइए एंड इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। एंड ये जो ट्रेंड एडवांस ट्रेंड एनालिसिस का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, इसको बहुत सीरियसली अगर आप स्टडी करें, आपका जो भी टेक्निकल एनालिसिस में आप ट्रेंड फाइंड कर रहे हैं उस मेथड का सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। सिर्फ क्लोजिंग को देख के आप ये डिटरमिन मत करें कि हाँ ये पॉजिटिव क्लोजिंग हो गया, नेगेटिव क्लोजिंग हो गया। ट्रेंड पॉजिटिव हो या ट्रेंड नेगेटिव हो, वो बहुत मायने रखता है। तो उसी को देख के अगर आप काम करें तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इसको शेयर कीजिए, इसमें एक लाइक कीजिए एंड आपको आपके दोस्तों लोगों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए, तो ये आपको बहुत फायदा में देगा। ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, ये कॉन्सेप्ट्स सही मायने में मार्केट में अच्छा काम करता है। थैंक यू वेरी मच।